हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर क्राइम ब्रांच और शिकारपुर पुलिस की संयुक्त टीम को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब इनमियों की तलाश में निकली बुलंदशहर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र में भारी मात्रा में हरियाणा मार्का शराब तस्करी के लिए लाई जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच और शिकारपुर पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया तो पुलिस टीम ने 282 पेटी हरियाणा मार्का शराब और आयशर कैंटर समेत एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस अधिकारियों के माने तो पकड़ा गया तस्कर कैंटर में कपड़ों के कतरन के नीचे शराब छुपा कर ले जा रहा था। जी मेरा रोल है गाड़ी चलाने का, मेरे को 2000 रुपये मिलते गाड़ी चलाने के, तो अम्बाला से लेके यहाँ तक छोड़ने के 2000 रुपये मिलते साइड का था। कितनी बार लेकर के आए वक्त? दो एक दफे लेकर आया। तो कहाँ कहाँ छोड़ा था? सियाना सियाने में। तो तुम्हें छोड़ने के कितने रुपये दिए जाते हैं? 2000 रुपये। देखिए, काफ़ी दिनों से जानकारी मिल रही थी कि हरियाणा राज्य से अवैध शराब यूपी में ला के बेची जा रही है और कई बार इस तरह की भी सूचनाएं थी कि सरकारी ठेकों पर भी इनकी सप्लाई के संबंध में कुछ लोग अब सूचना उपलब्ध करा रहे थे। इसी क्रम में जनपद की स्वाट टीम के द्वारा अनवरत प्रयास किया जा रहा था और उसी क्रम में बीती रात एक कैंटर आयशर कैंटर गाड़ी हरियाणा नंबर की वो रोकी गई और उसमें 282 पेटी मिस इंडिया देसी शराब हरियाणा प्रदेश की निर्मित है जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए के आसपास है, वो बरामद की गई। इसमें दो तीन चीज़ें उल्लेखनीय हैं। एक तो ये कि जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसने बताया कि उसके द्वारा जो शराब लाई गई थी इसे सयाना क्षेत्र में एक सुमित नाम का व्यक्ति है जिसके गोदाम पर उतारना था, सीमेंट का गोदाम है, और दो लोग जो शराब के सप्लायर और ठेकेदार हैं इस जनपद के, एक अमित प्रताप सिंह जो मुरादाबाद का है, सयाना में CL2 का लाइसेंसी है, पूरे जनपद में सरकारी शराब की आपूर्ति करता है, उसका इन्वॉल्वमेंट है, और दूसरा शराब के ठेकों का लाइसेंसी अजीत नाम का व्यक्ति है। अजीत और अमित ये दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, इन्हीं दोनों के द्वारा वो शराब मंगाई जाती थी और संभव है कि शराब का मिसयूज शराब के ठेकों पर भी किया जाता हो, इस पर बारकोड भी पाया गया है, उस संबंध में भी हम लोग अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। अधिकारियों ने दावा किया कि ये शराब हरियाणा से बुलंदशहर के बीवी नगर पहुंचाई जा रही थी। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 8 लाख बताई जा रही है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। Time 24 News, just past Sach Dikhane Ka.